नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube न्यूज़ चैनल पर मैं सभी पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, RBI ने जारी किया हमारे पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेंशन में देरी पर बैंकों को देना होगा 8% ब्याज। ये बड़ी अपडेट निकल कर आई है। क्या पूरी RBI की जो ये डिटेल में अपडेट है, ये हम आपको शेयर करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सरकारी पेंशन के भुगतान में देरी अब बैंकों को भारी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये रिजर्व बैंक का कहना है, इसके लिए उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उसने पेंशन का भुगतान करने वाले सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। RBI ने कहा है कि अगर पेंशनर्स के खाते में पेंशन डालने में किसी भी प्रकार की कोई देरी करते हैं तो उन्हें हर्जाना अवश्य देना होगा, और यह हर्जाना 8% की सालाना दर से पेंशनर को मिलना चाहिए। यह एडवाइजरी बैंकों की ओर से सरकारी पेंशन के वितरण पर RBI के मास्टर सर्कुलर का हिस्सा है। इसके तहत सर्कुलर भी जारी किया गया है। पेंशनर्स जो हैं, उन्होंने पेंशन और एरियर के भुगतान में देरी को लेकर शिकायत की थी। इसी को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह एडवाइजरी जारी की है। RBI के सर्कुलर में क्या क्या बातें कही गई हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों को पेंशन एरियर को पेंशन के खाते में क्रेडिट करने में देरी पर हर्जाना देना चाहिए। यह तय तारीख के बाद विलंब के लिए 8% की दर से होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2008 से पेंशन के भुगतान में देरी के संबंध में यह बात लागू की गई है। इसके अलावा जो पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे पेंशन देने वाली अथॉरिटी से, जो अथॉरिटी है, उससे सीधे पेंशन ऑर्डर की प्रतियां हासिल करने की तुरंत व्यवस्था बनाएं। RBI के निर्देश का इंतजार किए बगैर पेंशन एरियर का भुगतान करें। सरकार जैसे ही ऐलान करती है, उसके अगले महीने यह पैसा खाते में आ जाना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब एजेंसी बैंक पेंशन कैलकुलेटर कर रही है तो फिर पेंशन के लिए ब्रांच को संपर्क का जरिया होना चाहिए, ताकि वे परेशान न हों। और जिन ब्रांचों में पेंशन खाते खुले हैं, उन सभी को बैंकिंग के कामकाज में पेंशनरों की मदद करनी चाहिए। पेंशन को कैसे कैलकुलेट किया गया है, इसका पूरा गणित वेबसाइट पर दिया जाना चाहिए। ये सभी रूल्स जारी किए गए हैं एडवाइजरी में। और जो पेंशन का वितरण करने वाली एजेंसी बैंक जो है, उनको सलाह दी गई है कि उन्हें पेंशनर के प्रति उदार रवैया रखना चाहिए। ये सभी जो रूल्स रेगुलेशंस RBI ने जो बैंक हैं उनके लिए बनाई हैं, उनको 8% की दर से हमारे जो पेंशनर्स हैं उनके खाते में क्रेडिट करना होगा पैसा, अगर वो किसी भी प्रकार की देरी करते हैं तो हर्जाने के रूप में। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर हमारे पेंशनर्स के लिए आई थी। ये बड़ी खुशखबरी है, RBI ने हमारे पेंशनर्स के हित में ये रूल्स रखे हैं। तो दोस्तों, आगे जैसे ही इस पर कोई आगे अपडेट आएगी, हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।